वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में होगा भारतीय टीम का पलड़ा भारी। वर्ल्ड कप क्रिकेट शुरू होने में अब कुछ ही दिन शेष हैं। भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला ही पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। वर्ल्ड कप की इतनी धमाकेदार शुरुआत हो ही नहीं सकती। वर्ल्ड कप इतिहास को देखें तो भारतीय टीम आज तक कभी भी पाकिस्तान से पराजित नहीं हुई है और इस बार भी दास्तान यही होगी। आइए जानते हैं क्यों जीतेगी भारतीय टीम वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से अपना मैच। भारत के लिए उसके सलामी बल्लेबाज अहम भूमिका निभाएंगे। रोहित शर्मा और शिखर धवन ने भारत के लिए कई बड़ी साझेदारियां की हैं और पाकिस्तान के खिलाफ मैच में धवन और रोहित को रोकना आसान नहीं होगा। भारत के खिलाफ मैच के लिए पाकिस्तान की रणनीति का अहम हिस्सा यह होगा कि भारतीय सलामी बल्लेबाजों को कैसे रोका जाए। रोहित शर्मा इन दिनों जबरदस्त फॉर्म में है और धवन पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए बेकरार है। बात करें विराट कोहली की तो उनका फॉर्म किसी से छुपा नहीं है और ये सभी जानते हैं कि विराट कोहली अपनी पारी के दम पर मैच में बड़ा अंतर ला सकते हैं। कोहली अब तक ऑस्ट्रेलिया की परिस्थितियों में पूरी तरह ढल चुके हैं। कोहली ने पहले भी पाकिस्तान के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन किया है और वर्ल्ड कप के मैच में पाकिस्तान के गेंदबाजी आक्रमण को चकनाचूर करने के लिए कोहली पूरी तरह तैयार है। भारत पिछले दो महीनों से अधिक समय से ऑस्ट्रेलिया में है और वर्ल्ड कप तक टीम वहीं रहेगी। इस दौरान त्रिकोणीय श्रृंखला में भी भारतीय टीम पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया के माहौल में रच बस जाएगी। वहीं पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के माहौल में तालमेल स्थापित करने के लिए अपेक्षाकृत बहुत कम समय मिलेगा। भारतीय टीम के लिए यह लंबा ऑस्ट्रेलिया दौरा वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए